राम राम सभी भाइयों को। भाइयों आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जो कि आपको बताया था हम आए थे गांव घूमने के लिए और आज आपको दिखाते हैं खेतों पे क्या चल रहा है। और हमारे चाचा वहां पे अभी बिजली का प्रबंध कर रहे हैं, जो कि ट्वेल ये दिखा दे भाई सामने, देखो जी ये कौन सी मोता पार्टी क्या देख रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी भाई साहब यहाँ खेतों में मिलती है। और अभी हम आपको अभी खेतों का व्यू दिखाते हैं कि हमारे चाचा कहाँ पे बिजली लगवाएंगे। तो अभी मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे छोटे भाई हैं नंद किशोर दीक्षित, जो भी एक ब्लॉगर हैं, तो आप मिलिए जिनसे हम मिलने आए गांव में। राम राम भाई सारे, ये हैं नंद किशोर दीक्षित, आ जाओ बाहर निकल के बात करते हैं। तो चलो भाई सब मिलते हैं बच्चों पार्टी से, ये बच्चे घूम के आ रहे हैं अभी और बड़े भी हैं, हमें फेमस हो चुके हैं बच्चों आप लोग सभी। तो यहाँ पे है जी 12 लगवाने को प्रबंध, कहाँ लगेगा भाई दिखाएंगे आपको, अपनी तरफ ले लो भैया। तो भाई यहाँ पे चल रहे हैं, तो भाइयों हम चल रहे हैं अभी खेतन में, पर जहाँ लगेगी बिजली अभी यू हमारे चाचा ने बो रखी है मूंग खेतन पे, देखो जी ये सब मूंग बो रखी है, अभी थोड़े दिन में भी बड़ी हो जाएगी जब तक हम दोबारा आएंगे और वहाँ के बाद कटेगी फिर यू। तो ये है गाइस 12 का प्रबंध, जहाँ लगेगी बिजली। चाचा बोर है कोई पाइपलाइन बिछ गई है? अच्छा यू वाली है जो अभी बिछवाई जो यहाँ तो खेत अच्छा घूम के। तो भाइयों यू है पाइपलाइन, ये हमारे चाचा ने कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबी बिछवाई है खेतन में, जो हमारे आसपास के खेत हैं सभी में यहाँ से पानी का प्रबंध करवाया गया है। भाइयों जब यहाँ बन जाएगा कोठरा तो वहाँ में नहा करेंगे, फिर टंकी में कुंडी जो है फिर तो नंद किशोर के यहाँ नहाने आए करेंगे भी हम भाई, कुंडी बनवाएंगे बड़ी। हाँ जी बताइए जी, अब बताइए स्विमिंग पूल वाली कुंडी बनवाएंगे, स्विमिंग पूल वाली। तो फिर तो भाई जो भाई कमेंट करके आएगा उन्होंने बुला ले करेंगे यहाँ कभी कभी नहाने के लिए फुल सुविधा। और भाई यू जा रही है नहर, आगरा नहर जो है, तो जी यहाँ है प्रोग्राम 12 लगने को आने वाले अगले नेक्स्ट टाइम में, देखो यहाँ शायद बिजली की बिजली और लाइन में चेक करना है अगले 2-3 महीने में। तो भाइयों अभी चल रहा सर्वे खेत पे, कहाँ कहाँ बो रखो चाचा ने, और भाई यहाँ चल रहे हैं बिजार जो कि खेत में घुस जाओ और मूँग खा जाओ, थोड़ी छोटी सी है ये है ना, फिर खेत में होवे नुकसान, तो इसलिए इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। गांव में बड़ी दिक्कत होती है इनके जानवरों की, खुले में जो घूमते हैं, तो यही है। और बाकी तो भाई ये आपको दिखाया था ये लाइन बिछी हुई है काफ़ी लंबी बिछवाई है, वो उस दिन हम आ नहीं पाए यहाँ पे, नहीं तो आपको पूरा दिखा दे कितनी नीचे करके पूरी लाइन बिछी हुई थी। तो आज हम आए हैं तो इसलिए थोड़ा सा खेतों पे मौज मस्ती, बाकी जब 12 बन जाएगा कुंडी लग जाएगी तो फुल आनंद आएंगे। ये नंद किशोर दीक्षित आ रहे हैं पीछे, ये हमारा भाई अभी एक ब्लॉगर है, तो अरे जो दगरों से बनवाया पल्ले में भाई यहाँ पे ना रोज भी दिखाई दे रहे हिरण ओपन रहे हैं, तो अभी तो दीख न हो रहे, कई दिन फुर्सत में दिखाएंगे आप, पहले की वीडियो में भी दिखाया गया है दिन में घूमते रहते हैं खेतों में। तो इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और दिखाते हैं आपको राम राम से भाई, एक चीज और दिखाते हैं भाई एक बार। हाँ जी ये लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है इस दिन लंबी, ये तो काफी है, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा जो लाइन बिछेगी उसके बाद जब दिखाएंगे किसी दिन आके ये दिखा देते हैं इंजन। हाँ तो गाइस ये है इंजन जो पहले का हमारा लगा हुआ है, और ये देखो खाट भी बिछ रही है, इंजन चला और आराम से 100 रोटी खा के, देखो इस तरह का जुगाड़ था पहले और अब चल रही है बिजली का जुगाड़ है, अब बिजली लगवाएंगे तो बिजली से क्या फटाफट चलता रहेगा फिर वैसे ही। तो
तो राम राम से भैया को, भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। जय श्री राम।